Subscribe the channel Knowledge Study for more and important government job videos. सिंडिकेट बैंक पीओ एंड कैनरा बैंक पीओ पीजीडी वेव के अंदर 2018 में एक बड़ा लेवल का सीट लेकर आया है। तो बहुत सारे के मन में ऐसा क्वेश्चन है, अगर दोनों में सिलेक्शन हो जाए तो कौन से में जाना चाहिए, कौन सा बेटर है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ सिंडिकेट बैंक पीओ एंड कैनरा बैंक पीओ के बेसिक बेसिक डिफरेंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो सीट्स, जो वैकेंसीज के बारे में। सिंडिकेट पीओ जो है 2018-19 में टोटल सीट है 500। ठीक है, तो 500 सीट्स टोटल, ओबीसी में 135, एससी में इतना, एसटी में इतना एंड अनरिजर्व में 252। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपका टोटल सीट्स। अच्छा, कैनरा बैंक पीओ चला आजिए, इसका टोटल सीट आपका 450 जनरल में इतना, ओबीसी में, हर एक में देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो मेन टॉपिक है सिंडिकेट बैंक पीओ में एज, जो बेसिक डिफरेंस है, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 20 से लेके 28 तक, मतलब कि आपका मैक्सिमम एज 28 तक लिया जाएगा। ये ऑब्वियसली अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, या ऐसे ही जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो एक सर्विसमैन है, इस उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है। अच्छा, कैनरा बैंक पीओ में एज, अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन में करना चाहूँगा, यहाँ पे 1/1/2017 से लेके आपका ये एज काउंट होगा। तो आपका कैनरा बैंक पीओ में मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। तो आप जज कर लीजिए, ठीक है, कैनरा बैंक पीओ में बहुत सारे से कैंडिडेट बैठ पाएंगे जो सिंडिकेट बैंक पीओ में बैठ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए कंपटीशन जो है कैनरा बैंक में थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद देखते हैं सिंडिकेट बैंक में आपका टोटल जो कोर्स ही होगा, मतलब पीजीडीबीएफ का जो पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका जो डिप्लोमा होगा, वहाँ पे टोटल कॉस्ट लगेगा 3.50 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, मतलब टोटल कॉस्ट लगेगा। अच्छा, और जो आपका कैनरा बैंक में होगा, यहाँ पे दोनों में डिवाइड करके दिया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अच्छा, ये मैं बोलना चाहता हूँ सिंडिकेट एंड कैनरा दोनों बैंक में ही आपका ट्रेनिंग किया जाएगा, मणिपाल, एक बेंगलोर में, अच्छा, और एक NITTE एडुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका मैंगलोर में है। ठीक है, तो चलिए पहले बात जो बोल रहा हूँ, बेंगलोर में जो कैंपस है, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्टिंग लगेगा 4,13,000। ठीक है, अच्छा, और आपका जो मैंगलोर में है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे लगेगा 3,54,000 रुपीस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, सिंडिकेट बैंक पीओ में जो आपका लोन ऑप्शन यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिया हुआ है, क्या लोन ऑप्शन है, एक स्कीम है सिंड विद्या स्कीम। सिंड विद्या स्कीम के अंदर क्या आएगा, आपका 84 मंथ्स के लिए आपको एक एक्सटेंशन, मतलब आपको लोन का भरपाई करने के लिए 7 इयर्स, यानी कि 84 मंथ्स तक आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपको जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्कीम है, हर PGDEF के अंदर ही, मतलब मैक्सिमम के अंदर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैनरा बैंक पीओ में ऐसा कुछ प्रोमिनेंटली, हाँ प्रोमिनेंटली दिया हुआ है, लेकिन लोन स्कीम के बारे में कुछ प्रोमिनेंटली नहीं दिया है। अच्छा, आपको बोल देता हूँ, दोनों ऑप्शन है, कैंडिडेट कैन पे एंटायर कोर्स फी इन वन लमसम। ठीक है, आप एक बार में दे सकते हो या दो इंस्टॉलमेंट में, 50% ऑफ कोर्स फी बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, 50% जो हो आपका कोर्स कॉमेंसमेंट के
पहले दिन आपको देना होगा, और 50% जो बाकी रहेगा वो 2 मंथ्स बट बिफोर द एंड ऑफ 3rd मंथ्स ऑफ द कमिसमेंट ऑफ कोर्स। कोर्स जब चलेगा उसके अंदर 2 महीने के बाद और 3 महीने के एंड होने के पहले आपको बाकी 50% देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अच्छा, और एक बात यहाँ पे दिया हुआ है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू पे द कोर्स फी फ्रॉम देयर ओन सोर्सेस और बाय अवेलिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एज पर द प्रिवेलिंग स्कीम गाइडलाइन। अच्छा, यहाँ पे ये बोला है आप बैंक से लोन ले सकते हो, लेकिन सिंडिकेट बैंक के द्वारा कोई ऐसा विद्या स्कीम ऐसे करके कोई स्कीम नहीं है, आप नॉर्मल लोन एजुकेशन लोन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके बाद आते हैं सिंडिकेट बैंक में इंसेंटिव्स के बारे में। अच्छा ये एक अच्छा, एक यह भी प्रोमिनेंट दिया हुआ है, सिंडिकेट बैंक्स में जो है ये आपका पहले जो 9th मंथ होगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर पहले जो 9 मंथ होगा वो पे आपको 3,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होगा उसके अंदर आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा अच्छा स्कीम है। अच्छा, कैनरा बैंक में दूसरी तरफ ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं है, यह पे लिखा हुआ है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्स बाय द कैंडिडेट व्हिच आर अप्रूव्ड बाय द बैंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम, बैंक में कंसीडर रिइंबर्समेंट ऑफ सच फीस एंड ऑल्सो पेमेंट ऑफ द इंसेंटिव आफ्टर ज्वाइन। अच्छा, यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, सिंडिकेट बैंक में एक लॉयल्टी बोनस होगा। अच्छा, ये लॉयल्टी यहाँ पे भी प्रोमिनेंट दिया हुआ है कि आपको जो लॉयल्टी बोनस होगा वो 5 लाख होगा टोटल। अच्छा, ये 1 लाख करके 5 साल आपका बैंक में काम होने के बाद से शुरू होगा। अच्छा, 5 ईयर्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर। अच्छा ओके, 1 लाख ईच कंप्लीशन ऑफ द 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। तो 5 साल आपको 1 लाख करके 5 लाख आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, ठीक है, ये 5 साल जॉब करने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका है कैनरा बैंक का लॉयल्टी बोनस, बैंक विल रिइंबर्समेंट द टोटल कोर्स फी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बाय वे ऑफ लॉयल्टी बोनस इन ए डिफर्ड मैनर इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ईयर टू अप टू 10 ईयर। अच्छा, यहाँ पे भी दिया जाएगा, यहाँ पे बोला है कि आप जो कोर्स फी भरोगे वो इंसेंटिव लॉयल्टी बोनस के रूप में आपको टोटल दिया जाएगा 5th ईयर से लेकर 10th ईयर तक इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, सब आपको भरपाई कर दिया जाएगा। अच्छा, सिंडिकेट बैंक पीओ में जो कोर्स फी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एस सी एस टी के लिए 100, जनरल के लिए 600, बट कैनरा बैंक पीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बैंक में नॉर्मली 700 नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 700 जनरल के लिए, एस सी एस टी के लिए 118। ओके चलिए, उसके बाद में अच्छा ये बहुत ही एक अच्छा डिफरेंस है। देखिए आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम का, ठीक है, वो पैटर्न आपका रहेगा रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस, हर एक में 50 करके, ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 2 घंटा का रहेगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होगा, वो आपका 30 मिनट्स में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा आपका 50 मार्क्स। ये भी ऑनलाइन मोड में होगा, यह भी लिखा हुआ है टेस्ट ऑनलाइन, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट कैनरा बैंक में जो होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का कोई मेंशन नहीं किए, यहाँ पे हर एक में 50 मार्क्स करके रीजनिंग क्वांटिटेटिव इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 2 घंटे के अंदर एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, सिंडिकेट बैंक पीओ में आपका जो पे स्ट्रक्चर है यहाँ पे नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली नहीं दिया था, लेकिन ये कैनरा बैंक पीओ की तरह सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पे स्केल है ये लगभग लगभग क्या सेम ही है, ठीक है। तो यही था बेसिक बेसिक डिफरेंस। तो आप
अभी जांच कर लीजिए, आपको दोनों अगर मिल जाए तो कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, जो लोग आपका बैंक एग्ज़ाम देते हैं उसके साथ शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अगर वीडियो में अपलोड करो तो आपके आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, ऑल द